वेलकम ऑल ऑफ यू। नाउ अभी हम देखेंगे अबाकस और पेंसिल को कैसे होल्ड करना है। जो ये जो अबाकस है आपके पास, तो ये जो बीट्स है ये पूरे मूव होते हैं, तो इसके वजह से हमें इसको मिडिल बार को पकड़ के राइट टू लेफ्ट हमें सिर्फ उसको क्लियर करना है, जूम करना है ऐसे। ये दोनों फिंगर को पकड़ के हम उसको बीच में ऐसा रखेंगे और क्लियर कर लेंगे अबाकस को, तो ये दोनों बीट्स दोनों साइड को चले जाएंगे। ये है हमारे अपर बीट्स और ये है लोअर बीट्स। अपर बीट और लोअर बीट को सेपरेट करेंगे हम ये मिडल बार को पकड़ के। तो अभी हमें अब पूरा बुक सॉल्विंग करते टाइम क्या करना है, ये जो पेंसिल है इसको भी हम इस प्रकार पकड़ेंगे, लिखने की बाजू हम बाहर रखेंगे और ये इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर ये दोनों को खुला छोड़ के ऐसे हमारी ये पेंसिल आएगी, ओके। और अबाकस को हम लेफ्ट हैंड से, ये दो फिंगर हम यूज कर रहे हैं इंडेक्स और मिडल फिंगर, तो ये बाकी के बचे हुए जो थ्री फिंगर है ये थ्री फिंगर में अबाकस होल्ड करेंगे ऐसे। ऐसे हमारे ये टेन प्लेस तक पहुंचेगा और ये ऐसे यूनिट प्लेस, ऐसे दोनों हाथ से हम यहाँ पे काम करेंगे, ओके। सो मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ओके। सो फर्स्ट इज वन, तो वन यहाँ पे मैंने अबाकस होल्ड किया है और वन विथ थंब, अगेन वन विथ थंब, देन टू विथ थंब। अभी मुझे लिखना है तो ये पेंसिल ऐसी आगे आएगी और पेंसिल से मैं ऐसे फोर लिखूंगी, उसके बाद पेंसिल वापस पीछे चले जाएगी ऐसे, और अबाकस को राइट टू लेफ्ट जूम कर लेना, क्लियर। देन बी, बी पे है टू, टू विथ थंब, देन वन, फोर इज आंसर। अभी ये इसको वापस पेंसिल आगे आएगी, मैं फोर आंसर लिखूंगी, उसके बाद पेंसिल पीछे वापस चली जाएगी, और जब तक हम सॉल्व कर रहे तब तक अबाकस भी हमें पकड़ना है और पेंसिल भी हाथ में रखना है, दोनों को भी नीचे छोड़ना नहीं है, उसे टाइम कवर करने में हमें प्रॉब्लम होता है अगर हम पेंसिल ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। सो अभी अगर आप लेफ्ट हैंड स्टूडेंट हैं तो आपको पेंसिल इस तरह पकड़नी है, ओके, देखो इस तरह से, और ये यही थ्री फिंगर में हमें अबाकस भी होल्ड करना है, ये मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से सॉल्विंग भी करनी है और पेंसिल भी पकड़नी है। और अभी और लेफ्ट हैंड से सॉल्विंग करके दिखाती हूँ मैं। वन विद थंब, जो देखो फिंगरिंग जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, जो हम राइट हैंड से वन टू थ्री फोर फाइव कर रहे तो वही हाथ से करेंगे हम, वही हैंड से हमारा कंप्लीट होगा, और जो लेफ्ट से करते हैं वो भी लेफ्ट से होगा, सिर्फ पेंसिल पोजिशन चेंज हो रही है हमारी, क्लियर। नाउ डी पे हम देखेंगे, यहाँ पे है वन, देन थ्री, देन फाइव, नाइन इज आंसर। तो पेंसिल आगे आएगी ऐसे, नाइन लिखेंगे, देन होल्ड योर पेंसिल प्रॉपरली एंड जूम योर अबाकस, ओके, और उसके बाद हम अबाकस जूम करके वापस सेकेंड डिजिट करेंगे। सो वन टू फाइव देन एट, एट इज आंसर। तो पेंसिल आगे आएगी, एट लिख के पेंसिल वापस पीछे चली जाएगी, ओके। इस तरह हमें दोनों हाथ से फिंगरिंग करनी है। और ऐसा कुछ बोलते हैं कि नहीं मुझे ये हाथ से लिखना नहीं आता या मैं पकड़ नहीं पाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो दोनों हाथ से हमें यहाँ पे काम करना ही है, तो दोनों हाथ की प्रैक्टिस हमें यहाँ पे करनी है। और अभी देखो अगर हम फर्स्ट रो सॉल्व कर रहे, अगर आपके पास बुक है तो हमारा अबाकस रहेगा सेकेंड रो पे, इधर उधर बिल्कुल भी अबाकस को रखना नहीं है। अगर हम सेकेंड रो कर रहे हैं तो अबाकस सेकेंड रो के भी नीचे चला जाएगा इस तरह, और जहाँ पे हमारा ये समझो हम के एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं अभी, तो के नीचे हमारा अबाकस आएगा इस तरह, वन फाइव टू वन, नाइन इज आंसर। सो नाइन को लिख लिया, देन वापस जूम कर लिया। अगर हम ऐसे आगे 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 जा रहे तो ये हमारा यूनिट प्लस पे उसके साथ आगे आगे आएगा, इससे क्या होता है हमारा स्पीड कवर हो जाता है, ओके, समझ गया सबको।